हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स दोस्त पे। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स भी बोलते हैं हिंदी में। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टार्ट करेंगे आज। अब स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले आपको समझना होगा एरिया वेक्टर क्या होता है, यानी सदिश क्षेत्रफल, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एरिया वेक्टर क्या होता है, सबसे पहले समझिए। देखिए, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब एरिया वेक्टर भी समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपकी ये कोई सरफेस है, ये मैंने कोई सरफेस लिया, कोई पृष्ठ लिया, ठीक है। अब इस पृष्ठ से जो नॉर्मल होगा वो, उसको हम बोलेंगे एरिया वेक्टर। समझिए, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए क्या होता है एरिया वेक्टर, जैसे मान लीजिए हमने ये सरफेस ले ली, ये हमारी एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस के हमें स्मॉल सा पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये इतने से पार्ट में, अगर इसकी डायरेक्शन देखूँ तो वो क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर। तो इसको मैं ड्रॉ कैसे करूंगा, इस तरह से। तो यानी कि ये क्या है इसका एरिया, ds स्मॉल एरिया, तो ये हो गया इसका एरिया वेक्टर, यानी ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान रखिए, तो एरिया वेक्टर क्या होता है, किसी भी सरफेस के नॉर्मल को हम बोलते हैं एरिया वेक्टर, यानी कोई भी पृष्ठ हो उस पृष्ठ के, जैसे देखिए मैंने आपको बताया था ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लंबवत, देखिए ये लंबवत, इसे बोलते हैं सदिश क्षेत्रफल, ठीक है। अब आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है। देखिए, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस एरिया प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हिंदी में देख लीजिए, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो देखिए इसको हम समझते हैं। देखिए मान लीजिए स्टूडेंट, हमारी ये एक सरफेस है, ठीक है स्टूडेंट, ये एक सरफेस है, ये मान लीजिए एक सरफेस है, और इस सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से, ये इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए इसका एरिया वेक्टर इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये एरिया वेक्टर थीटा एंगल पर, कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर। तो देखिए जो फ्लक्स बनेगा वो क्या बनेगा, समझिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई ई से, और फ्लक्स पाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। अब स्टूडेंट ध्यान रखिए, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। जब फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि है, तो इसको जब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो देखिए कैसे लिखूंगा, यानी सदिश रूप में, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये मेरा फ्लक्स होगा। यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ई डॉट डी एस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ही क्या कहलाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स, ठीक है स्टूडेंट। या आपको बिल्कुल सिंपल सा ध्यान रखिए, एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस एरिया प्लेस्ड इन फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आर नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट, ध्यान रखिए। तो हमने क्या कंसीडर किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे एरिया वेक्टर कुछ एंगल पर है थीटा, तो ये इसका ds cos थीटा हो गया इसका, और जब इसको e और ds cos थीटा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा फ्लक्स। वेक्टर फॉर्म में हमने इस तरह से लिख दिया इसको सदिश रूप में, ठीक है। आइए आगे चलते थोड़ा सा और देखते हैं, इसकी कुछ कंडीशंस हैं वो देख लेते हैं अपने स्टूडेंट। देखिए आप आराम से नोट कर लीजिए इनको। देखिए हम जो इसकी कंडीशन डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि हमें जो फ्लक्स होता है वो मैक्सिमम किस कंडीशन में मिलता है, जीरो किस कंडीशन में मिलता है, और नेगेटिव किस कंडीशन में मिलता है, तो हम देखेंगे। तो तीन केसेस देखेंगे, केस फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट। देखिए स्थिति फर्स्ट क्या कहती है, इसमें देखिए, यदि कहने का मतलब केस फर्स्ट, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू एरिया वेक्टर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड
और जो एरिया वेक्टर है वो क्या है, सेम डायरेक्शन में, यानी पैरेलल एक दूसरे के। जब ये पैरेलल होंगे, स्टूडेंट ध्यान रखिए, जब ये पैरेलल होंगे तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, जीरो, यानी थीटा कितना हो जाएगा इनके बीच में, 0 डिग्री। देखिए समझते कैसे, ये मेरा सरफेस, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका एरिया वेक्टर भी ऐसे होगा इस डायरेक्शन में। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन में है, यानी पैरेलल एक दूसरे के। तो एंगल कितना हो गया, 0। जब एंगल 0 हो गया स्टूडेंट, तो देखिए हमने पढ़ा था फ्लक्स क्या था, फाई ई बराबर है ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, कितनी जाएगी, 0। तो हम 0 रखेंगे तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी एस, और ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम। तो ध्यान रखिए अगर आपसे पूछ ले कि हम फ्लक्स किस कंडीशन में मैक्सिमम ऑब्टेन करते हैं, अधिकतम फ्लक्स किस स्थिति में मिलता है, तो ध्यान रखिए जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, या पैरेलल सेम डायरेक्शन में होगा, तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा, पॉजिटिव फ्लक्स मिलेगा। ठीक है, ये पहली केस है। सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में क्या है, यदि एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो इस केस में हमें फ्लक्स मिलेगा 0। देखते हैं, आप नोट कर लीजिए इसको, केस सेकंड, स्थिति सेकंड, कब ये दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो एंगल कितना हो जाएगा, 90। देखिए इसको, देखते हैं केस प्रेजेंट, ये आपका एरिया वेक्टर डी एस और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पी वेक्टर, तो यह एंगल कितना हो गया, 90। तो इस केस में कॉस थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, यहाँ पर 90 रखेंगे अपन, और 90 रखेंगे तो हमें प्लस कितना मिलेगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ, अब समझना ये है, प्लस 0 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब सिंपल सा इतना ही है कि जितनी फील्ड लाइन एंटर करी थी उतनी की उतनी क्या हो रही है, बाहर निकल रही है स्टूडेंट। तो उस केस में फ्लक्स कितना हो गया, नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 मिलेगा। ध्यान रखिए फ्लक्स 0 का मतलब क्या होता है, जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही है उतनी की उतनी बाहर निकल रही है, इसे बोलते हैं 0 फ्लक्स। ठीक है, ये आपका सेकंड केस। थर्ड केस देखते हैं, थर्ड केस आएगा 180, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी एस वेक्टर आर अपोजिट, यानी विपरीत। देखिए कैसे, देखिए इसको एक बार, इसको बनाते हैं इसको अच्छे से, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल 180, और स्टूडेंट्स हमें पता है पाई ई इक्वल टू क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180, और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, यहाँ रखिए यहाँ पर कॉस 180 की जो वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पर पाई ई की वैल्यू कितनी जाएगी, माइनस ई डी एस, यहाँ प्लस क्या आया, नेगेटिव प्लस आया स्टूडेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। ये तीन कंडीशंस हैं प्लस की जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका इलेक्ट्रिक प्लस का बेसिक है जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अब इसके आगे हम डिस्कस करेंगे गाउस लॉ, फिर चलेंगे उसकी एप्लीकेशन पर। ठीक है,